हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे कैसे फॉरगेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे फॉरगेट करेंगे। सिंपल, आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई। सर्च करते ही वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये नेटवर्क का जो हमारे फ़ोन में कनेक्टेड है तो हम इसको फॉरगेट करना चाहते हैं, तो सिंपली इसके साइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो वाईफाई नेटवर्क को हम फॉरगेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और ओके करते ही जो वाईफाई नेटवर्क है हमारे फ़ोन से फॉरगेट हो जाएगा और हमारी फ़ोन की स्क्रीन से भी हट जाएगा। तो इस तरीके से वाईफाई नेटवर्क को फॉरगेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर रेडमी फ़ोन में। तो साथ में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की वाईफाई सेटिंग्स पे जाकर भी वाईफाई नेटवर्क को फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन ही आएंगे, जहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को फॉरगेट कैसे करेंगे, तो सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है वाईफाई, या सिंपली बैक करते हैं तो आपको वाईफाई सेटिंग शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी नेटवर्क को फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड है तो उसको आप यहाँ से फॉरगेट कर पाएंगे। जैसे कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट भी कर सकते हैं, पासवर्ड डाल देना है और हमारे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होती है आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।